नमस्कार दोस्तों, एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज की हमारी वीडियो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स यानी विभाजकता के नियम, यानी कि जैसे आपको बहुत ही क्वेश्चन पेपर में ये प्रॉब्लम रहती है कि दो से कौन सा विभाजित होता है, तीन से कौन सा विभाजित होता है, क्योंकि ये विभाजकता के नियम ही आगे जैसे ही हम प्रेजेंट करते हैं जो भी शेषफल प्रमेय के द्वारा आते हैं या फिर कहीं भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इन प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, उसके बारे में हम इधर देखते हैं। तो मैंने जैसे टॉपिक लिखा है विभाजकता के नियम, तो विभाजकता के नियम में मैं सबसे पहले आपको बताता हूं दो दो का नियम, चार का नियम, सोलह का नियम, बत्तीस का नियम और चौसठ का नियम। यदि ऐसी संख्या दे रखी है हमें दो का, चार का, 16 का, 32 का और 64 का, बेसिकली लगभग सबको पता ही रहता है कि दो का नियम, अगर कोई भी संख्या है वो दो से पूर्णतः कब विभाजित होगी, यदि यदि आपकी संख्या संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, यदि कोई भी संख्या दे रखी है और उस संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हैं, तो वह संख्या दो से पूर्णतः पूरी पूरी रूप से विभाजित हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक दो से पूर्णतः विभाजित है, तो वह पूरी संख्या भी दो से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0, ऐसे कोई अगर आपको संख्या दे रखी है और पूछ ले कि ये दो से कब विभाजित होगी, तो आपको याद रखना है कि या तो अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा या अंतिम अंक हमेशा दो से विभाजित होगा, वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैंने देखा तो मुझे यहाँ 0, यानी कि यहाँ भी मुझे 0 मिला। कहने का मतलब मेरा जो नियम था कि यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक इनमें से है तो वह दो से पूर्णतः विभाजित होगी, वो यहाँ पे मिल गया। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1, 4, 3, 2, 9, 5, 6, तो यह भी संख्या हमारी दो से विभाजित होगी। आगे देखते हैं हम चार का नियम, आगे हम देखते हैं चार का नियम। चार का नियम दोस्तों क्या कहता है, ये मैंने आपको शुरुआत में इसलिए बता रहा हूं कि दो चार आठ सोलह बत्तीस चौसठ, यानी कि चार का नियम ये क्या है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। दूसरा चार का नियम क्या कहता है, चार का नियम कहता है दोस्तों 1, 3, 5, 2, एग्जाम्पल से देखो आप 6, 8, 9, 2, 5, 2, कोई ये संख्या आपको दे दी और आपसे पूछेगा कि यह संख्या क्या चार से विभाजित है, तो चार से विभाजकता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या दे रखी है, यदि हमें यह देखना है कि वह चार से विभाजित है या नहीं है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम लास्ट की दो डिजिट, चार से विभाजकता का नियम का मतलब क्या है, लास्ट की दो डिजिट हमें क्या दे रखी है, 52, वो यदि चार से विभाजित है, क्या 52 चार से विभाजित है, मैंने देखा हाँ, 4, 13 जा क्या होता है, हमेशा 52 होता है, 13 चौका 52 होता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी क्या है, चार से विभाजित हो जाएगी। तो हमें पूरी संख्या चेक नहीं करनी है, हमें लास्ट के दो डिजिट चेक करने, यदि लास्ट के दो डिजिट चार से यदि विभाजित हैं, तो वह संख्या पूरी भी पूरी चार से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 3, 8, 6, 9, 4, 3, 2, 0, 8, ठीक है दोस्तों, तो मैंने देखा कि चार से ये विभाजित है या नहीं है, तो मैं लास्ट के दो डिजिट देखूंगा, लास्ट के दो डिजिट मुझे क्या मिले, 0, 8, इसका मतलब यह पूरी संख्या चार से विभाजित है। अगर ऐसा आ जाता है 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 1, 3 और आपसे पूछ ले कि यह संख्या चार से विभाजित है या नहीं है, तो दोस्तों यह संख्या चार से विभाजित देखने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के दो डिजिट को पकड़ेंगे, लास्ट के दो डिजिट मुझे देखे क्या 13, क्या 13 चार से विभाजित है,
नहीं, क्योंकि 4 से 13 पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 8। हमने 2 का विभाजकता का नियम देख लिया, 4 का देख लिया, अब बात करते हैं 8 के विभाजकता के नियम। तो दोस्तों 8 के विभाजकता का नियम क्या कहता है, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0, 6, 4। 4 से 8 से विभाजकता का नियम आपका कहता है कि यदि लास्ट की 3 डिजिट यानी अंतिम 3 अंक, ये अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैंने देखा 0, 64, क्या ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं? बिल्कुल, 0, 64 को मैंने जब 8 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित हैं, तो यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1, 2, 5, 6, 9, 0, 3, 5, 1, 2, ठीक है दोस्तों, अब ये मेरे पास संख्या हो गई। अब अगर मैं इसमें देखूं कि यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, तो 8 से पूर्णतः विभाजित देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। लास्ट के 3 डिजिट मुझे क्या मिले, 512। 512 को मैंने 8 से डिवाइड किया, जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 6 48 और 8 4 32, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था 8 का नियम। अब आगे देखते हैं 16 का नियम। तो दोस्तों 16 के नियम में अब मैं आपको इन सब का कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से बता देता हूं। जैसे मैंने 2 की बात की थी, मैंने 4 की बात की थी, मैंने 8 की बात की, मैं आगे 16 करूंगा, फिर 32, आगे आप ऐसे करते जा सकते हो। तो 2 में मैंने देखा दोस्तों 2 की पावर 1, इसमें मैंने देखा 2 की पावर 2, इसमें मैंने देखा 2 की पावर 3, इसमें मैंने देखा 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5। तो दोस्तों 2 की पावर 1 में 2 का नियम छुपा हुआ है, वो क्या कह रहा है, यदि लास्ट की डिजिट यानी कि पावर 1 है, इसका मतलब आपको डिजिट क्या लेनी है, अंतिम डिजिट। पावर 1 दे रखी है तो आपको अंतिम अंक लेना है, यदि अंतिम अंक 2 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात करते हैं 4, 4 में घात कितनी है दोस्तों, 2, तो यानी कि घात 2 है, इसका मतलब लास्ट के 2 अंक देखने हैं अपन को, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब मैंने 8 पे गया तो 8 में कितने पावर दे रखी है, हमारी 8 में पावर है 3, इसका मतलब हमें अंतिम 3 अंक देखने, यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या भी हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम 16 की बात करते हैं तो पावर कितनी है, 4, तो आप क्या करोगे, और अंतिम 4 अंक जो है संख्या के, उन 4 अंकों का अगर विभाजक विभाजन 16 से हो जाए, यानी कि जो अंतिम 4 अंक हैं उन्हें अगर हम डिवाइड करें और वो 16 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो वह पूरी संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार सेम 32 में पावर कितनी है, 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर में जितना भी अंक है उसके उतने अंतिम अंक उस संख्या से देख लो विभाजित हो रहे हैं, तो वह संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार आप 2, 4, 8, 16, 32, 64 और उससे भी आगे 128, 256, 512 यानी कि सभी का आप क्या है निकाल सकते हो। ये आपको बस याद रखना है कि 2 की पावर पर कितना है उतना ही अंक आप देख लीजिए, अगर वो उस संख्या से विभाजित हो रहा है तो आपकी पूरी संख्या भी उस संख्या से विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये थे आपके 2, 4, 8, 16, 32 और 64 के विभाजकता के नियम। अब हम बात करते हैं 3 कि कोई संख्या, हम ये देखते हैं कि 3 से और दूसरा हम बात करेंगे 9 से। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम कि 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है। तो 3 से विभाजकता का नियम कहता है दोस्तों, अगर कोई भी संख्या दे रखी है और उस संख्या के, जैसे मैंने क्या बोला, मुझे 3 अंकों की कोई संख्या दे दी x y z,
ठीक है, अगर मुझे ये बताना है दोस्तों कि एक्स वाई जेड तीन से विभाजित है या नहीं है, तो इसका नियम ये कहता है कि जो भी आपको संख्या दे रखी है उस संख्याओं के अंकों का योग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि जो भी संख्या है उस संख्या के अंकों का योग यदि तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी तीन से विभाजित होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल आपका क्या है 3, 5, 8, 6, 5, आपकी यह संख्या है 3, 5, 8, 6, 5, तो हमें देखना है कि यह संख्या तीन से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो उसका नियम क्या है कि मुझे इन सभी का जो भी संख्या दे रखी है इसमें सभी डिजिट्स का मुझे क्या करना है, सम करना है। तो मैंने पहले 3 को 5 में ऐड किया 8, फिर 8 ऐड किया, यानी कि मैंने इन सबको ऐड किया, मैंने सबको ऐड करके देखा 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 5 24, 24 3 27, और 27 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया इसका मतलब वह पूर्णतः डिवाइड हो गया, तो यह पूरी संख्या 3, 5, 8, 6, 5 3 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों 3 का नियम क्या है कि जो भी आपको संख्या दे रखी है उस संख्याओं का आपको क्या करना है, सम करना है, और सम यदि 3 से भाग चला जाए, उस सम में 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए, इसका मतलब उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात यह आती है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन ये आप बताओ हमें कि ये संख्या आई कैसे, यानी कि ये नियम आया कैसे। तो दोस्तों जैसे मैंने कोई संख्या लिखी आपकी एक्स वाई जेड, समझ लो एक बार अगर ये चीज समझ लोगे तो जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि नियम आया कैसे था। अब मुझे ये पता है ये आपका होता है यूनिट डिजिट, ये सेकंड प्लेस होता है, और ये आपका क्या होता है हंड्रेड प्लेस होता है, इसे हम टेंथ प्लेस बोलते हैं और इसे हंड्रेड प्लेस बोलते हैं। यानी संख्या को अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि 100x + 10y + z, ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, और इस 100 को मैं क्या लिख सकता हूं 99x + x, इसको भी दोस्तों 9y + y, और ये अपना z। तो दोस्तों इनको 99x + 9y ये अलग ले लिया, +x + y + z, यानी मेरे पास 3 डिजिट की कोई संख्या थी, उस 3 डिजिट की संख्या को मुझे पता है कि जो अंतिम अंक होता है उसे हम यूनिट डिजिट या इकाई अंक बोलते हैं, उसके बाद जो सेकंड डिजिट होता है उसे हम टेंथ प्लेस या फिर दहाई अंक बोलते हैं, और थर्ड जो होता है उसे हम हंड्रेड प्लेस या सैकड़ा बोलते हैं। तो अगर ये संख्या लिखनी है हमें इस डिजाइन से तो वो 100x + 10y + 2 रहेगी। अब मैं 100x को 99x + x लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तोड़ के लिख सकता हूं, भाई मेरे पास अगर 4 है तो मैं इसे 3+1 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसी प्रकार मैंने 10y को 9y + y रख दिया और जेड का जेड एज इट इज है। अब मैंने 99x + 9y और मेरे पास x + yz, अब मैं अगर संख्या को बोलूं कि भाई ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो मैंने देखा ये भी 3 से विभाजित है और ये भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब अगर इस संख्या को 3 से विभाजित होना है तो इसका मतलब जो भी डिजिट दे रखी है वो भी 3 से विभाजित होनी चाहिए। भाई आप खुद सोचो, यानी कि 99x + 9y + x + y + z ये वाली टर्म में 3 से विभाजित करनी है मुझे, तो 3 से ये तो विभाजित हो रहा है, ये विभाजित हो रहा है, लेकिन अगर ये भी 3 से विभाजित हो जाए इसका मतलब पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि x + y + z ये अगर 3 से विभाजित करना है हमें, तो इसके अगर ये पूरी संख्या 3 से विभाजित करनी है इसका मतलब ये जो है एक्स वाई जेड आपकी यहां क्या है, डिजिट है, तो एक्स वाई जेड डिजिट है तो x + y + z भी 3 से विभाजित होंगे। यदि x + y + z 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों जो नियम था वो यहां से बना था, यदि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से विभाजित हो जाए इसका मतलब यह कि पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये 3 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, बचा कुचा ये था।
यदि ये विभाजित नहीं होता इसका मतलब वह संख्या तीन से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये आपका नियम आया था कि हमारा जो ये नियम था पूछ लेते हैं और हमेशा आपको याद रखना है। एक बार ये समझ में आ जाएगा तो नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नियम में आता कहां से, अगर ये सीख लिया तो फिर नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। नियम क्या कह रहा था तीन का, यदि कोई भी डिजिट आपको दे रखी है उसके, यदि कोई भी संख्या आपको दे रखी है उसके डिजिट का अगर सम करें हम, यदि वह तीन से विभाजित होता है तो वह संख्या भी पूर्णतः तीन से विभाजित होगी। यदि उनका डिजिट तीन से विभाजित नहीं होता है तो वह संख्या भी तीन से विभाजित नहीं होगी। नियम आया कहां से था, ये देखो यहां से आपका ये नियम आया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि नियम कहां से आया था। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं नौ का नियम। तो दोस्तों उसी प्रकार नौ का नियम है, नौ का नियम भी यही कहता है यदि कोई भी संख्या दे रखी है और उसके अंकों का अगर हम योग करें या डिजिट ऑफ सम करें तो वो नौ से अगर विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी नौ से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया आपका, क्या ले लिया, 3, 5, 6, 9, 4। ठीक है दोस्तों, अब मुझे चेक करना है कि यह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या नियम है कि आप क्या करो, इन जो भी डिजिट दे रखी हैं इन सभी का सम कर दो। मैंने सम किया, 3 + 5 = 8, 8 + 6 = 14, 14 + 9 = 23, 23 + 4 = 27। 27 क्या 9 से डिवाइड है, बिल्कुल है, यानी कि तीन बार 27 9 से डिवाइड हो जाएगी तो यह संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। नियम मैंने आपको समझाया था, वहीं से सेम नियम यही निकला है, वहीं से ही यही नियम निकला है। यानी कि मैं अगर बात करूं, मेरे पास ए बी सी डी ऐसे करके कोई चार डिजिट की संख्या है तो मैंने आपको बताया ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये सैकड़ा है और ये आपका थाउजेंड है। तो अगर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि 100A + 100B + 10C + D, ठीक है, और इसको मैं 999A + A, इसको भी दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, 99B + B, इसको भी 9C + C और + D। ये मैंने 999A + 999B + 9C + A + B + C + D। अब मुझे यह चेक करना है कि यह चार डिजिट की संख्या 9 से डिवाइड है कि नहीं है। तो दोस्तों ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। यदि इन सभी जो भी संख्या दे रखी है इनकी डिजिट का यदि सम 9 से डिवाइड हो गया तो यह पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहीं से यह नियम निकल के आया था कि डिजिट ऑफ सम अगर 9 से डिवाइड है तो वह हमेशा 9 से डिवाइड होगी। आगे है आपका 7, 11 और 13। इनका एक बार अच्छे से देख लो। तो इनमें सबसे पहले हम लेते हैं 11 का नियम। दोस्तों 11 का नियम क्या कहता है, यानी कि अगर हमारे पास ए बी सी डी यानी कि कोई भी चार अंकों की यानी कि चार डिजिट की हमारे पास कोई संख्या है तो 11 का नियम क्या कहता है कि डिजिट यानी कि ये एक नंबर, ये दो नंबर और ये तीन नंबर और ये चार नंबर, ऐसे नंबरिंग दे सकते हो आप, ऐसे भी दे सकते हो 1, 2, 3, 4, यानी कि जो ऑड प्लेस पे है, इनकी विषम स्थान पे जो है, यानी कि ये ऑड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है। यदि हम बात करें ऑड प्लेस पे यानी कि a - c + b - d, a - c + b - d यानी कि ऑड प्लेस को मैं ऐड करूं माइनस और b - d यानी कि इवन प्लेस को मैं ऐड करूं, उसका मतलब यदि वो या तो 0 या 11 का कोई गुणज, यानी कि कोई भी अगर संख्या दे रखी है मुझे और उस संख्या में यदि मैं उसका इवन प्लेस, इसका मतलब ये ऑड है तो ऑड जस्ट उसे एक छोड़ के आता है, उसके बाद ऑड जस्ट यहां आएगा, इवन है तो ये इवन हो जाएगा, यानी कि इन सबको मैं ऐड करूंगा और यदि वह ऐड और उनको ऐड करने के बाद माइनस करूंगा, यदि वह 0 या 11 का कोई गुणज होगा तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देख लेते हैं कि एग्जांपल से और आप अच्छे से समझ पाओगे कि 11 का विभाजकता का नियम क्या है।
यानी कि जैसे हमारे पास संख्या हो गई 3, 2, 5, 6 3 3, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास संख्या है और हमें बताना है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया है आपको, आपको ये यहां से पकड़ना है, यानी एक नंबर पर उसके बाद एक छोड़ देना है, दो पर उसके बाद एक छोड़ देना है, उसके बाद है ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि मैंने 3 लिया प्लस 5 लिया और मैंने 3 लिया, उसके अलावा मैंने 2 प्लस 6 प्लस 3, यानी कि मैंने 2 लिया प्लस 6 लिया प्लस 3 लिया, यानी कि मैंने इवन यानी कि ऑड नंबर पे जो भी यानी कि ऑड विषम संख्या पर जो भी आ रही थी, विषम संख्या स्थान पर, मैंने विषम स्थान पर जो भी आ रहा था वो मैंने सबको ऐड किया, 5, 3, 8, 3, 11 ये ऐड हो गया, मैंने इन सबको ऐड किया, 6, 3, 9, 2, 11 ये हो गया। अगर इनको माइनस करने पर या तो मेरा कितना आ जाए 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, 11 का मल्टीपल का मतलब दोस्तों या तो 11 या 121 कुछ भी आ जाए, या 33 या 22, यानी कि जिसमें 11 का मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी 11 का वो गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो मैंने देखा 5, 3, 8, 3, 11 2 प्लस 6 प्लस 3 9, 2, 11 इन दोनों को घटाया तो मुझे 0 मिल गया, इसका मतलब यह संख्या मेरी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लगभग या 11 के नियम से या 9 या 3 के नियम से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है, यानी कि आपको वो प्रश्न ऐसे दे देगा। तो अपन अगर 11 का हमें विभाजकता का नियम समझना है तो अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि 11 के विभाजकता के नियम में हमें कैसे देखना होगा कि हमारी दी गई संख्या 11 से विभाजित है। तो मैं एग्जाम्पल लिया 7, 3, 4, 5, 8, 9 7, 3, 4, 5, 8, 9 मैंने ओरली कोई संख्या ले ली है और आपको यह चेक करना है कि यह 11 से विभाजित है या नहीं। तो मैंने क्या बताया कि आप पहली संख्या को पकड़ो और यानी कि ऑड नंबर पर जो संख्या है, कहने का मतलब यह है कि विषम स्थान पर जो संख्या है उन सभी का आपको योग करना है। तो मैंने इधर ये योग किया 11, मैंने इधर ये योग किया 19, तो 7, 4, 11 और 8 कितना हो गया मेरा 19, और जो बची रिमेनिंग संख्या है उनका योग कर लो 5, 3, 8, 8 और 9 और 8, 17। यदि इन दोनों का मैं माइनस करूं या तो मुझे 0 मिलना चाहिए या 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए, यानी या तो मुझे 0 मिलना चाहिए या फिर 11 का गुणज मिलना चाहिए। यदि इनमें से नहीं मिल रहा है तो वह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। मैंने देखा 19 में से मैं अगर 17 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 2, 19 में से मैं 17 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2। तो मैंने क्या बोला आपसे, या तो 0 मिले या फिर 11 का गुणज, 11 का गुणज का मतलब ये या तो 11 मिल जाए आपको या 22 या 33, यानी ऐसी संख्या जो 11 की टेबल में आती हो उसे ही बोलेंगे हम 11 का मल्टीपल, यानी 11 का गुणज। लेकिन मैंने जब इस प्रश्न में गया तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको बस ये याद रखना है कि जोड़ना कैसे है, आपका पहला प्लेस पकड़ना है और आपको उसके बाद एक छोड़ते हुए जोड़ते जाना है, ठीक है। तो मैंने किया 7, 4, 11 और 8, 19, उसके अलावा जो बच गए 3, 8, 9, 8, 17 इनका माइनस किया तो कितना आया 2, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। आगे हम ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि जो संख्या 11 से विभाजित होगी, जैसे मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने ये कुछ संख्या ले ली और हमें बताना है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप यहां से पकड़ो और एक छोड़ते जाओ, 8, 8 में मैंने 4 ऐड किया 12, 12 में मैंने 3 ऐड किया कितना 15, उसके बाद जो भी बच गए यानी मैंने ये ऐड किया और ये ऐड किया, बच क्या गया 3, 3 में 9 ऐड किया 12, 12 और 3 15, और 15 मैंने 15 किया तो मुझे क्या मिल गया 0। और मैंने यही बताया था कि यदि आप एक से स्टार्ट कीजिए यानी कि जो विषम स्थान पर संख्या है उनका योग और सम स्थान पर जो संख्या है उनका योग का अगर माइनस करेंगे तो वह या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज आना चाहिए, और वो मुझे मिल गया कि 15 माइनस 15 मैंने किया कितना मिला 0। इसका मतलब यह संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका क्या था 11 का नियम। आगे देखते हैं हम ग्यारह के नियम पर, हमेशा आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम या फिर सेंटर का एग्जाम दे रहे हो, 11 का क्वेश्चन से आपको हमेशा पूछा जाएगा। वो आपको प्रश्न कैसे दे देगा
कि 7635x2। अब आपसे बोलेगा कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताओ x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपको विकल्प दे देगा और आपको एक चीज चेक करनी है। तो मैंने क्या बताया था कि 11 से विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, एक छोड़ने के बाद एक ऐड करते चले जाएंगे, 7 और 3 10 और 10 प्लस x, ठीक है। यानी कि पहले मैंने पकड़ा 7, पर एक छोड़ देना है, कितना 3 10, उसके बाद एक छोड़ना है x। अब जो बच गए हैं उनको ऐड कर दो, 6 और 5 11, 11 और 2 13, और हमें लिख देना है कितना, या तो 0 रहेगा या फिर 11 का मल्टीपल रहेगा, ये वाला बन गया। तब मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या मिला, x-3। भाई मैंने 10 में से 13 घटाया, जिसका मतलब माइनस का 3 और ये x-3। आप मुझे खुद ही बताओ कि मैं x की वैल्यू क्या रखूं जिससे ये 0 हो जाए। मुझे इसमें दिख रहा है तो मैं x की वैल्यू क्या लूंगा, मैं अगर 1 लेता हूं तो 0 नहीं होगा, 2 लेता हूं तो 0 नहीं होगा, मैं x की वैल्यू कितनी लूंगा, 3। जब मैं x की वैल्यू 3 लूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि x की जगह पे यदि मैं 3 रख दूं, x की जगह पे यदि मैं 3 रख दूं, तो यह पूरी संख्या आपकी क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चेक करके देख लेता हूं मैं, 7 और 3 10, 10 3 13, इसी प्रकार 6 और 5 11, 11 2 13। यानी कि जो मैंने ऑड प्लेस पे वैल्यू ली उनका सम किया और इवन प्लेस पे जो वैल्यू ली उनका सम किया, दोनों का सम मेरा कितना आ जाएगा, 0, 13-13 0, तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो बहुत ही आसान आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे हमेशा x की वैल्यू पूछेगा और आप x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है दोस्तों। तो यह था आपका 11 का नियम। अब क्या होता है कि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है हमेशा 7 के नियम का और 13 के नियम का, और बहुत सारे टीचरों ने 7 के नियम को और 13 नियम को अपने आप ही इतना टफ बना दिया है इनको कि बच्चे ने देखते ही परेशान हो जाते हैं कि 7 और 13 का जो विभाजकता का नियम है वो कैसे रहता है। कि कोई बताता है यूनिट डिजिट में आप इतना मल्टीप्लाई करिए फिर वापस करिए, तो दोस्तों यहां मैं आपको तीनों को साथ इसीलिए लिखा है कि चाहे वो 7 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 13 का हो, आपको हमेशा एक ही नियम याद रखना है। उसी नियम से आप पढ़ दोगे कि कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी और कौन सी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। वैसे 11 का दूसरा जो अल्टरनेटिव रूल है या अन्य जो नियम है मैंने आपको बता दिया है, वहां से भी आप 11 का देख सकते हो। दूसरी जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया आपसे, यानी मैंने एग्जांपल लिया 159250। अब मुझे बताना है कि यह संख्या 7 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी या 13 से। भाई 11 से डिवाइड के लिए मैं एक बार देख लेता हूं इस संख्या का, वो नियम जो मैंने बताया था आप बहुत जल्दी कर सकते हो, वो समझाने में टाइम लगता है लेकिन करने में बहुत इजी होता है। 1 प्लस 9 10 10 और 5 15, 5 2 7 प्लस 0 7, 15 में से मैंने 7 घटाया तो कितना बचा, 8। इसका मतलब यानी कि मुझे या तो 0 चाहिए था या 11 का मल्टीपल चाहिए था, इनमें से कोई नहीं मिला तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 7 11 13 से, तो 7 का और 13 का नियम भी इसमें छपा हुआ है, ये कंफर्म हो गया 11 से तो ये विभाजित नहीं है। तो हमेशा 7 11 13 से विभाजित करने के लिए आप हमेशा 3 का पेयर बनाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम 3 का पेयर बनाएंगे। मैंने 3 का पेयर बना लिया, उसके बाद 3 का पेयर बना लिया। अब बच्चे बोलेंगे सर अगर ऐसे नहीं हो, मैं ऐसा भी एग्जांपल कराऊंगा जिसमें 3 के पेयर नहीं बनेंगे तो पेयर कैसे बनाना होगा, ठीक है। 3 का पेयर बना लिया, इसको मैंने 159 और इसको मैंने 250, तो मैं क्या करूंगा कि इस 3 के पेयर में से इनको घटा दूंगा, यानी कि एक पेयर में से दूसरे पेयर को घटा दूंगा। तो मैंने 250 में से 159 को घटाया तो 10 में से 9 गया तो 1 और 24 में से 15 गया तो कितना, 91। यानी कि मैंने दो पेयर बनाए और उन पेयर में से इसको मैंने इसमें से घटाया तो मेरा कितना आ गया, 91। इसका मतलब 91। अब 91 को देख लो वो किससे डिवाइड है, क्या 91 7 से डिवाइड है, बिल्कुल सर 13 7 51 में होते हैं। क्या 91 13 से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है। तो यह संख्या 7 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। 13 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। 11 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 91 भी 11 से डिवाइड नहीं है।
यानी कि आप जो भी आपको संख्या दे रखी है उनके आप तीन तीन डिजिट के पेयर बनाइए और माइनस कर दीजिए। यदि माइनस 7 से डिवाइड होता है इसका मतलब वो संख्या 7 से डिवाइड होगी, यदि माइनस 11 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी, यदि माइनस 13 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 13 से डिवाइड होगी। तो ये आपका नियम था 7, 11 और 13 का। जैसे मैंने संख्या ले ली 38679, थोड़ी लेंथी पड़ेगी, मैं दूसरी संख्या ले लेता हूं 011252। मैंने को ये संख्या ले ली यानी कि 11252। अब मुझे बताना है कि 11252 11 से 11253, मैं ये संख्या ले लेता हूं कि यह 7, 11 और 13 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। मैंने क्या बताया, तीन आपको तीन का तीन डिजिट का पेयर बनाना है, मैंने तीन डिजिट का पेयर बना लिया, उसके अलावा ये नहीं बन रहा तो इसके सामने जीरो। तो मैं पता है अगर कोई नेचुरल नंबर है और उसके सामने अगर मैं जीरो लगा दूं तो कोई उसका अर्थ नहीं बिगड़ता। जैसे मेरा तीन है तो 03 रहेगा, मेरा 33 है, मैं कितनी भी जीरो लगा दूं वो 33 रहेगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये बन गया। तो इसका मतलब मेरा 253 में से मुझे 11 को घटाना है तो कितना बचेगा, 242। अब 242 को देख लो आप कि ये किस किस से डिवाइड है। अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 या 21, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। मैं अगर इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यानी 11 से डिवाइड हो रहा है। मैं अगर 13 की बात करूंगा तो 13 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये केवल 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यह संख्या आपकी किस से डिवाइड होगी, हमेशा 11 से डिवाइड होगी। यहां भी देख सकते हो। और एक वो नियम है वो भी चेक करके देख लेते हैं, 0+1 1 1+5 कितना हो गया आपका 6, उसी प्रकार 3+2 5 5+1 6, यानी कि 6 - 6 कितना 0। इसका मतलब 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। इसका मतलब जो हम नियम बता रहे हैं डिजिट बनाने के लिए वो भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो दोस्तों ये थे आपके 7, 11 और 13 का विभाजकता का नियम। आप और कहीं मत भागिए दोस्तों, यही नियम आप याद रखिए, हमेशा डिजिट बनाइए और उस डिजिट में से इवन और ऑड पहले जो भी हैं। जैसे कभी जब क्या होता है दोस्तों, अगर संख्या आ जाती है 336459 और 123, ऐसे करके आपकी संख्या कोई दे दी जाती है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर, यानी कि ये एक है, ये दो है, ये तीन है, तो जो भी ऑड वाले हैं उनको ऐड कर लीजिए और इवन में से आप घटा दीजिए। तो मैंने इनको ऐड किया 336123, 6 और 3 9 3 2 5 3 और 1 4 459, और 459 को मैंने 459 से भाग दिया, घटाया 459 को 459 से, तो कितना आ गया 0। इसका मतलब 0 7 से भी डिवाइड है, 0 11 से भी डिवाइड है और 0 13 से भी डिवाइड है। एक बार 11 से चेक कर लेते हैं डिवाइड है, तो इसका मतलब 0 सबसे डिवाइड है तो यह संख्या 7 से भी डिवाइड होगी और आपकी 11 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड होगी। देख लेते हैं एक बार, 3+6 9 9 और 5 14 14 और 1 15 15 3 18, 9 और 2 11 11 और 4 15 15 3 18, इसका मतलब 18 - 18 कितना आ गया 0। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड है। ठीक है, 11 से डिवाइड है। अगर 7 से डिवाइड की बात करेंगे तो वही मैंने देखा, वो 7 से 0 डिवाइड है, इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा। इसी में एक नियम आपका क्या आ जाता है, इसी वजह से एक नियम बन गया दोस्तों, यदि कोई भी 123123123 यानी कोई भी 3 डिजिट की नंबर यदि रिपीट हो रहा है, यानी 3 डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है, तो दोस्तों वह हमेशा, जैसे आपका 123123 और 123, ठीक है दोस्तों, और एक आपका आ गया 123, तो यानी कि 3 डिजिट का नंबर है कोई, यानी कि 3 डिजिट का नंबर दो बार आ रहा है, कहने का मतलब वो नंबर बन गया आपका 6 डिजिट का और उसमें डिजिट सेम है, एंड 123123 यानी कि दो पेयर में है, वो हमेशा 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि उनका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो कितना आता है 0। यदि 0 ऐसी संख्या है जो स्वयं से कभी डिवाइड नहीं हो सकती और सभी अन्य से डिवाइड हो जाती है, क्योंकि 0 में अगर मैं 0 का ही भाग दूंगा तो वो हमेशा अनिर्धारित रूप कहलाता है, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कितना आया है, लेकिन किसी और से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा डिवाइड होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 6 की।
ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि छह का नियम क्या है। तो छह का नियम कुछ नहीं है दोस्तों, यदि मैं छह को तोड़ूं तो 3 और 2, यानी कि जिस संख्या में 3 का भी भाग जा रहा है और 2 का भी भाग जा रहा है वह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 ये वाली आपकी संख्या हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये 6 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, 2 से डिविजिबल देखनी है, मुझे लास्ट डिजिट क्या मिल गया, एक इवन नंबर मिल गया, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 3 से देखना है तो 6 और 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21, यानी कि 21 को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल होगी। तो यानी कि ऐसी संख्या जो आपस में मल्टीपल हैं, तो आप किसी का भी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला आपको 14 का नियम क्या बन जाएगा, आप इसे किस में तोड़ो, 7 और 2 में तोड़ो। यानी कि हमेशा इसका नियम यही है कि यदि तोड़ना है तो दोनों संख्याएं सहअबाध्य संख्या होनी चाहिए। सहअबाध्य संख्या का मतलब उन दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उन दोनों में कोई कॉमन, जैसे मैंने बोल दिया 18, तो 18 में मैंने बोला 6 और 3, तो दोस्तों 6 और 3 में तो 3 कॉमन है, तो 18 का ये नियम नहीं कह सकता सही कि जो संख्या 6 से डिविजिबल होगी और 3 से डिविजिबल होगी तो वह 18 से भी डिविजिबल होगी, नहीं, ये गलत है। हमेशा सहबाज्य संख्या होनी चाहिए। यहां कह सकता हूं मैं, अगर कोई संख्या 7 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है तो वह 14 से डिविजिबल हमेशा होगी, ठीक है। अगर मैं 18 की बात करूंगा तो मैं इसे तोड़ूंगा 9 into 2। यदि कोई संख्या 9 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है तो ये कंफर्म है कि वो 18 से डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि जो 9 और 2 यानी कि मैंने तोड़े, ये दोनों आपस में सहअबाध्य संख्या है। तो हमेशा अगर ऐसी संख्या आती है और उसको आप तोड़ रहे हो, अगर वो सहअबाध्य संख्या के रूप में टूटती है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा, यदि कोई संख्या 9 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल है तो ये 100% श्योर है कि वह 18 से डिविजिबल होगी। तो दोस्तों इस प्रकार ये थे आपके विभाजकता के नियम। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे आप घर बैठे ही बहुत ही आसान तरीके से मैथमेटिक्स को सीखें और आपके परिजनों यानी कि आपके रिलेटिव संबंधियों और दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचाने का तुम्हारा एक मूल कर्तव्य बनता है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।